गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जे एस यू एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है 5 नवंबर 2018। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन फर्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश के साथ पर्यटन तथा परिवहन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। हमारे पास चार ऑप्शन है, नेपाल, चीन, रूस, जापान। राइट आंसर है दोस्तों रूस। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दक्षिण कोरिया और रूस के साथ पर्यटन तथा परिवहन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने संबंधी समझौते को ज्ञापन को मंजूरी दी है। क्वेश्चन एक कंप्लीट हुआ, चलिए क्वेश्चन दो की ओर। क्वेश्चन दो है, भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा पर पहली वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया। हमारे पास चार ऑप्शन है, पटना, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा पर पहली वार्ता का आयोजन नई दिल्ली शहर में किया गया। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ, चलिए क्वेश्चन थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड है, किस बल्लेबाज ने डिसमिसल के मामले में पूर्व दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी मार्क बाउचर को पछाड़ कर वनडे इतिहास में तीसरे सबसे सफल विकेटकीपर बन गए हैं। चार ऑप्शन है हमारे पास, महेंद्र सिंह धोनी, मोइन खान, ऋषभ पंत, जुल्कर नैन हैदर। तो राइट आंसर है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी ने डिसमिसल के मामले में पूर्व दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी मार्क बाउचर को पछाड़कर वनडे इतिहास में तीसरे सबसे सफल विकेटकीपर बन गए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और किस देश के बीच समझौतों को अपनी स्वीकृति दे दी है। चार ऑप्शन हमारे पास, नेपाल, रूस, चीन, मोरक्को। तो राइट आंसर है दोस्तों मोरक्को। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानून सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच समझौते को अपनी स्वीकृति दे दी है। क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट हुआ, चलिए क्वेश्चन फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पूरी तरह भारत में विकसित देश का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति बनाया है। चार ऑप्शन हमारे पास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर। तो राइट आंसर है दोस्तों आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने शोधकर्ताओं ने पूरी तरह से भारत में विकसित देश का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति बनाया, जिसे मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम, रक्षा और परमाणु क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन फाइव कंप्लीट हुआ, चलिए क्वेश्चन सिक्स की ओर। क्वेश्चन सिक्स है, किस देश ने 30 नवंबर 2018 को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेश निर्मित अग्नि वन बैलिस्टिक मिसाइल सफलतापूर्वक रात्रि में परीक्षण किया। हमारे पास चार ऑप्शन है, भारत, नेपाल, चीन, जापान। तो राइट आंसर दोस्तों भारत ने। तो भारत ने 30 नवंबर 2018 को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेश निर्मित अग्नि वन बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। स्वदेशी तकनीक से विकसित अग्नि वन बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन सिक्स कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन सेवन, कौन व्यक्ति हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। सूरिकामा मेंडिस, नुआन प्रतापा, महिंद्रा राजपक्षे, युगोमो मुकाम्बो। तो राइट आंसर है दोस्तों महिंद्रा राजपक्षे। तो महिंद्रा राजपक्षे को हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन सेवन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन एट है, हाल ही में किस शहर में गुजरात के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ। बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट। तो राइट आंसर है दोस्तों सूरत में। गुजरात के सूरत शहर में हाल ही में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ। क्वेश्चन एट कंप्लीट हुआ, चलिए क्वेश्चन नाइन की ओर। क्वेश्चन नाइन है, कौन व्यक्ति हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए। हमारे पास चार ऑप्शन है, अलगोर्दो एल्सन, जियर बोल्स,
सुनारो, ब्लूटो रुआक, जेसन मार्क। राइट आंसर है जेयर बोल सुनारो। तो जेयर बोल सुनारो को हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 10 है, किन दो टीमों ने हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का खिताब संयुक्त रूप से जीता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, मलेशिया ओमान, भारत पाकिस्तान, जापान कोरिया, भारत ओमान। राइट आंसर है दोस्तों भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के टीमें ने एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का खिताब संयुक्त रूप से जीता है। तो आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है, और हमारे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।